आर्मी के लिए, और इतना हम लोगों के पास देश प्रेम है, तभी भी ये देश प्रेम हम लोगों की सरकार ले डूब रही है, 3 सालों के बाद भर्ती दे रही है, तो चार ये भी बोल रही है कि 4 सालों के लिए किस बंदे को मिले किस बंदे को नहीं मिले, 4 सालों बाद हम लोग फिर ये क्या करेंगे। सरकार ये भी एक बेच दे हम लोगों को कि आप लोग वहाँ से सेना को समय दे करा रहे हैं 4 सालों का, तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब आपको दी जाएगी। ये गलत बात है, हम लोग इतने बच्चे लोग हैं, पसीना बहाते हैं 4 साल 5 साल 6 साल से, इतने दिन से भर्ती नहीं आ रही है, अब फिर आ भी रही है तो ये 4 साल के लिए आ रही है, तो हम लोग को क्या मतलब है, 4 साल से ऊपर तो हम लोग तो प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो हम कहना चाहेंगे मोदी जी से, अपने प्रधानमंत्री जी से, कि ये गलत बात है। ऐसे 4 साल के बाद हम लोग अगर हम लोग को बाहर कर देंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसी के लिए हम लोग इतना तैयारी कर रहे हैं, अगर 4 साल के बाद हम लोग को बाहर निकाल देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, और अगर हम लोग को बीच में कहीं कुछ हो जा रहा है, हम लोग को मेन बात कि हम लोग को 4 साल के बाद मतलब वेतन नहीं मिलेगा, तो हम लोग मतलब क्या करेंगे। अच्छा ये बताइए सर, हम लोग बचपन से जब पैदा हुए तो थोड़ा जब समझ में आया तो हम लोग सोचे कि मतलब देश सेवा करना चाहते हैं, आप बताइए 4 साल में हम लोग क्या देश सेवा, किस बच्चे के अंदर भावना पद उत्पन्न होगी 4 साल हम लोग देश के लिए। 5 साल हो गए भर्ती की तैयारी करते हुए, एक भर्ती 2019 में बस देखे थे हम लोग, फिर उसके बाद भर्ती आ नहीं रही है, और फिर उसके बाद हम लोग गरीब घर के बच्चे हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे। अब ऐसे ही सरकार हम लोगों के साथ अत्याचार करेगी कि न यूपीपी की भर्ती आ रही है, न किसी चीज़ की वैकेंसी आ ही नहीं रही हम लोगों के लिए, और अदर वैकेंसी जी आ रही हैं। अगर ये सरकार 4 सालों के लिए लागू कर रही है, इस पर ये लागू करे कि जो लोग सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, कोई भी हो, या नेता के बच्चे हों या किसी भी अन्य चीज़ के या बिजनेसमैन के, कोई भी हर घर से जो सरकारी योजना का लाभ लेगा वो 4 साल का समय आर्मी को दे अपना, कुछ खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो मंगरू का जीवन बदल पाएगा? नहीं बदल पाएगा, फिर वैसे ही आ जाएगा, फिर पिछले वाला जो रास्ता पे था उसी पे आ जाएगा, कहीं इधर ठोकरे खाएगा, कहीं इधर कहीं मजदूरी करेगा, फिर उससे बढ़िया कि मैं क्यों नहीं अपना खुद बिजनेस करूं, अपना घर ही पे रहूं, अपने परिवार में रहूं, इससे मैंने 4 साल के उसे छोड़ दो फिर ये तो। हाँ जो घूम फिर के ठीक और कोविड काल के चलते सेना की भर्तियां करीब 3 साल से रुकी पड़ी थी, युवा खासा परेशान थे कि भर्तियां शुरू किया जाए, सरकार ने युवाओं की बात सुन ली, भर्ती शुरू करने के ऐलान भी कर दिए, लेकिन ऐलान कुछ इस तरह से हुआ है कि अब युवा खासा परेशान हैं, तो वहीं सरकार का कहना है कि इससे युवाओं का विकास होगा, युवाओं के लिए बेहतर योजना है। सरकार ने अभी बैठक करके योजना लॉन्च किया है, अग्निपथ स्कीम है, यानी अग्निपथ योजना है, जिसके तहत सेना, नौसेना, वायुसेना में युवाओं को 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा, उसके बाद युवाओं को सेना रिलीव कर देगी, उनकी योग्यता के अनुसार उनको सेना में नौकरी दिया जाएगा या युवा पुनः पढ़ाई कर लेंगे। ऐसे में मैं उन युवाओं के बीच में हूँ जो महीनों से वर्षों से सेना में नौकरी करने का ख्वाब देखते हैं, लगातार अपने पसीने को ग्राउंड पे बहाते हैं, तो ये युवा हैं, इन्हीं से जानना चाहेंगे कि जो सरकार यह योजना लाई है कि अब भर्ती 4 साल के लिए होगी, क्या कहेंगे? बोलिए बोलिए बोलिए। मतलब 4 साल से भर्ती होगी, 4 वर्ष से हम लोग तो तैयारी अभी कर रहे हैं, तो इससे कोई हम लोग को फ़ायदा तो नहीं होगा। क्यों? और क्योंकि 4 साल से, कहने का मतलब है कि जैसे अभी सेना की भर्ती होती थी, एक बार आपने दौड़ निकाल लिया भर्ती हो गए तो आप पूरी पेंशन लेके आते थे, अब भर्ती हो जाएंगे तो मात्र 4 साल नौकरी करेंगे, पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? कुछ नहीं, कुछ नहीं, तो इससे हम लोग को कुछ नहीं फायदा होगा। हाँ, सेना में जाना चाहेंगे? हाँ, सेना में जाएंगे, इसलिए इस योजना में जाना चाहेंगे जो 4 साल वाले में? इस योजना में नहीं जाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि 4 वर्ष तो हम लोग मेहनत, 4 वर्ष से अधिक से मेहनत कर रहे हैं। हाँ, तो फिर 4 वर्ष के जाएंगे तो क्या फ़ायदा फिर? अच्छा, तो देखिए आपका इनका कहना है कि मतलब मेहनत करने में 4 साल लग जाता है, फिर 4 साल के लिए नौकरी करने जाएंगे, ये जो योजना पूरी आई इस पर क्या कहेंगे, जो सरकार योजना लाई है कि हम 4 साल तक रखेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको सब कुछ नौकरी करेंगे, उसके बाद वो स्वतंत्र रहेंगे कि उन्हें क्या करना? इस योजना से तो हमें कोई लाभ नहीं दिख रहा है, वैसे 4 साल के बाद हम लोग अगर हम लोग को बाहर कर देंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसी के लिए हम लोग इतना तैयारी कर रहे हैं, अगर 4 साल के बाद हम लोग को बाहर निकाल देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, और अगर हम लोग को बीच में कहीं कुछ हो जा रहा है, हम लोग को मेन बात कि हम लोग को 4 साल के बाद मतलब वेतन नहीं मिलेगा, तो हम लोग मतलब क्या करेंगे।
जिसके लिए हम लोग इतना तैयारी कर रहे हैं, इतना पसीना बहा रहे हैं, तो हम लोग को इससे मतलब कोई लाभ नहीं है और इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, मतलब इसमें हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। तो सरकार अभी जो अग्निपथ योजना लाई है कि उसके तहत सेना, वायुसेना, नौसेना में 4 साल तक के लिए नौकरी मिलेगा, और सरकार अभी घोषणा कर रही है कि 1 साल में 15 लाख 16 लाख नौकरी मिल जाएगी युवाओं को। तो हम कहना चाहेंगे नरेंद्र मोदी जी से, ये गलत बात है। हम लोग इतने बच्चे लोग हैं, पसीना बहाते हैं 4 साल 5 साल 6 साल से, इतने दिन से भर्ती नहीं आ रही है, अब फिर आ भी रही है तो ये 4 साल के लिए आ रही है, तो हम लोग को क्या मतलब है? 4 साल से ऊपर तो हम लोग तो प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो हम कहना चाहेंगे मोदी जी से, अपने प्रधानमंत्री जी से, कि ये गलत बात है। मान लीजिए 4 साल बाद हम नौकरी करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ना पेंशन मिलेगी ना कुछ मिलेगी, तो आर्मी का मतलब क्या? पहले जैसा कर दीजिए, वो अच्छा रहेगा हम लोग के लिए, और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। तो किस लिए आप आर्मी में जाना चाहते हैं? एक देश के लिए जाना चाहते हैं, अपने देश के लिए अच्छा करना चाहते हैं, भाइयों बहनों के लिए, सबके लिए करना चाहते हैं, हमारा देश हमेशा महान रहे। देश सेवा के साथ अपने जीविकोपार्जन की भी सोचते हैं कि ना, उसीलिए तो जाना चाहते हैं ना। वो तो सारे लोग सोचते हैं कि उसके साथ अपना भी चलाएं घर द्वार। तो ये बेहतर रहेगा 4 साल वाला? नहीं, बिल्कुल बेहतर नहीं है, बहुत बेकार है। उसके बाद तो फिर बेरोजगार हो जाएंगे हम लोग, फिर वही करेंगे। सरकार कहना है कि 4 साल में सेना की ट्रेनिंग ले लेंगे, उसके बाद वो मर्जी रहेगा, फौज में करेंगे, बाहर करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, तो फिर क्या करेंगे हम लोग? फिर से फिर भर्ती देखेंगे, हम लोग को क्या फ़ायदा है? पहले जैसा रहेगा सही रहेगा। सेना में क्यों जाना चाहते हैं? देश के लिए जाना चाहते हैं, जुनून है इसलिए। इसमें जाना चाहेंगे, इस प्रक्रिया जो आ रही है 4 साल वाली? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? इसके विरोध करेंगे हम लोग, बेकार है। ये भी तो देश सेवा के लिए रहेगा, 4 साल देश सेवा करने का अवसर मिलेगा। है, लेकिन पहले वाला सही था, ये सही नहीं है 4 साल, ऊपर वेतन भी फिर नहीं मिलेगा कुछ हमें। अच्छा, तो ये जानते हैं आपकी जब सेना भर्ती होते हैं, कोई अच्छे से बताया पाएगा? हाँ, बहुत बताइए। आ जाइए आप पंडित जी, आ जाइए। अभी जो प्रक्रिया हो रही थी वो कैसी थी, और ये जो 4 साल वाली है ये कैसा रहेगा? अच्छा, ये बताइए सर, हम लोग बचपन से जब पैदा हुए तो थोड़ा जब समझ में आया तो हम लोग सोचे कि मतलब देश सेवा करना चाहते हैं। आप बताइए 4 साल में हम लोग क्या देश सेवा, किस बच्चे के अंदर भावना पद उत्पन्न होगी 4 साल हम लोग देश के लिए कुछ मर मिटे, कि 4 साल बाद हम लोग को आर्मी से निकाल के बाहर कर दिया जाएगा, कैसे किसी बच्चे के अंदर ये देश भावना उत्पन्न होगी बताइए? और पहले था तो हम मान के चलिए 15 से 17 साल था कि उसके बाद रिटायरमेंट होता था, अब तो पहले ही आप 4 साल में कोई भी बच्चे इंग्लिश पूछ लीजिएगा ये होंगे, इनके पहले ही पता रहेगा 4 साल में हमको निकाल दिया, क्या इनके अंदर देश भावना उत्पन्न होगी? उस पर थे किसी भी बच्चे 3 साल से भर्ती नहीं आई है हम लोगों की, 3 साल से किसी बच्चे की उम्र खत्म हो गई है, बहुत से बच्चों, कितने बच्चे ने आत्महत्या कर ली है इसकी वजह से, अपना डॉक्यूमेंट सब जला दिए हैं, डॉक्यूमेंट बहुत सारे बच्चे जला दें कि भर्ती नहीं आ रही है, क्या करें? जो बच्चे बचपन से सोचते हैं कि हम लोग देश सेवा करेंगे, मान के चलिए हम लोग गरीब घर के बच्चे हैं, कोई हम लोग उतने हाई फाई लेवल के नहीं है कि हम लोग कोई और जॉब या बिजनेस कर लें, हम लोग बस बचपन से ये सोचते हैं कि देश के लिए कुछ कर मिटे करने की इच्छा उत्पन्न होती है, वो अभी सरकार हम लोग के लिए डूब रही है। मतलब ये था कि देश सेवा भी कर लेंगे और परिवार चलाने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मतलब सरकार ये नई स्कीम जो लाई है ये तो मान के चलिए देश के लिए तो अच्छा है, सब लोग कर सकते हैं, मतलब जिनका भी भाग लेना चाहते हैं सब ले सकते हैं, देश सेवा सब कर सकते हैं, लेकिन कौन से बच्चे में 4 साल में देश सेवा उत्पन्न होगी कि हम लोग इस साल भर्ती होंगे अगले साल फिर हम लोग 4 साल में निकाल दिए जाएंगे? तो देखिए अभी देश सेवा की बात आती है तो हम लोग ट्रेनिंग करेंगे, 3 साल की जॉब रहेगी, जॉब के लिए कोई नहीं जाता है सेना में, जॉब करनी है तो आपको अदर वैकेंसियाँ मिल जाएंगी जॉब के लिए, लेकिन सेना में देश सेवा के लिए जाता है, बच्चे के लिए अंदर जुनून आता है, यहाँ पर आने पर नहीं वो मुँह से खून फेंकता है लेकिन रुकता नहीं है दौड़ने पर, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या होता है हम लोग के साथ, न सरकार सुनती है न बच्चे, अभी मतलब 3 साल से कोविड के कारण हम लोग की भर्ती नहीं है, 3 साल क्या करें हम लोग? हम लोग जिसके लिए मर मिटते हैं उसके लिए भर्ती ही नहीं आ रही है, तो क्या करें बताइए? अभी न सरकार सुनती है न प्रशासन सुनता है, कोई नहीं सुनता। 3 साल तक आप देश सेवा का मिलेगा अवसर? नहीं, सरकार दे रही है तो देश सेवा हम लोग मंजूर है 3 साल तक के लिए, क्या करेंगे? सरकार जो लाएगी वो करेंगे हम लोग के, लेकिन कौन सा बच्चा 3 साल के लिए करेगा ये बताइए आप? करने के लिए बेरोजगारी यहाँ पे भारत में बहुत ज्यादा अधिक है, ये बताइए 60% यहाँ का यूथ है, 30% गवर्नमेंट जॉब है, अब बताइए कहाँ से 57% कहाँ बच्चे जाएंगे? अच्छा, तो पहले जैसे जॉब मिलता था, एक लड़का हाई स्कूल इंटर पास किया, मेहनत किया, सिपाही से भर्ती हुआ, अच्छा खासा वेतन हुआ, पेंशन लेकर के आ गया, अब तो वो सब खत्म हो जाएगा? पेंशन ही ठीक है, पेंशन खत्म कीजिए, पेंशन सबको हर विभाग में पेंशन खत्म होनी चाहिए, पेंशन ये नहीं जरूरी है कि पेंशन दीजिए, आप उसको जॉब दीजिए, आपको उसकी जो सैलरी वो दीजिए, पेंशन कौन बड़ी बात है, आप जो कमाएंगे वो खाएंगे,
सरकार जॉब दे पा रही है ना जगह पे? कहाँ जॉब दे पा रही है, तीन साल से बच्चे उसी तरह बेरोजगार बैठे हुए हैं। तीन साल क्या, बहुत पहले से मतलब तीन साल से कोई भर्ती नहीं आ रही, आ रही अदर वैकेंसी में आ रही, यूपी में आ रही है लेकिन अदर भी नहीं आ रही है। अच्छा देखिए, आपका नाम क्या होगा? गौरव राय। पापा क्या करते हैं आपके? पापा फार्मर हैं। फार्मर हैं, हाँ। तो सेना में क्यों जाना चाहते हैं? सेना में सर शुरू से हमारे यहाँ अंदर देश प्रेम था, तो हम लोग यहाँ पे भर्ती के लिए तैयारी करते थे। पाँच साल हो गए भर्ती की तैयारी करते हुए, एक भर्ती 2019 में बस देखे थे हम लोग, फिर उसके बाद भर्ती आ नहीं रही है। और फिर उसके बाद हम लोग गरीब घर के बच्चे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अब ऐसे ही सरकार हम लोगों के साथ अत्याचार करेगी कि न यूपीपी की भर्ती आ रही है, न किसी चीज़ की वैकेंसी आ ही नहीं रही हम लोगों के लिए, और अदर वैकेंसी जी आ रही हैं। अगर ये सरकार चार सालों के लिए लागू कर रही है, इस पर ये लागू करे कि जो लोग सरकार का सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, कोई भी हो, या नेता के बच्चे हों या किसी भी अन्य चीज़ के या बिजनेसमैन के, कोई भी हर घर से जो सरकारी योजना का लाभ लेगा वो चार साल का समय आर्मी को दे अपना। अच्छा, ये बात कर, लेकिन अभी तो आर्मी भर्ती के लिए बहुत भीड़ लगती है युवाओं की, तो वहाँ लोग खुद ही भीड़ लगी है सर, लोग भीड़ लगी है तो भीड़ लगी है तो देश प्रेम है बच्चों के अंदर, जज्बा है उतना कि हम सेना को अपना समय दें। और गरीब वर्ग के बच्चे हैं तो यही एक चीज़ है कि इसमें थोड़ा मेहनत करेंगे हम, मेहनत तो भरपूर लगती है, मेहनत लगती है, फिर हम लोग जाते हैं फिर सेना के लिए, और एक अंदर से अपने जुनूनियत आती है कि हम लोग देश की सेवा करेंगे। और ये सरकार पूरा खत्म करते चली जा रही है, तीन सालों से हम लोगों की वैकेंसी नहीं आई है, घर की हालत दर से बदतर और होती चली जा रही है, और हम लोग कहाँ से यहाँ पे फिजिकल के लिए तैयारी करने के लिए हम लोग आते हैं। घर से भी बोल रहे हैं कि तीन चार साल हो गए, तीन चार साल पहले से दौड़ भी रहे हो, कुछ हो नहीं रहा है क्या? चार साल से नौकरी कर रहे थे, अब आपको अगर नौकरी मिलेगी तो चार साल के लिए मिलेगी, तो चार सालों के लिए अगर सर नौकरी मिलेगी, अगर चार सालों के लिए किसी को ये बोला जाए पहले से ही कि आपको चार सालों के लिए जॉब मिलेगी, वो अभी आप पाँच साल मेहनत करके यहाँ से जा रहे हैं पूरा खून पसीना करके, तो बस ये कन्फर्म है आपको कि चार साल ही आप जॉब करेंगे, तो कौन वो चार साल के लिए जॉब करने जाएगा? उसके बाद आप दूसरी नौकरी कर सकते हैं। अरे सर कर रही है, अरे सर अभी नहीं मिल रही है, अभी नहीं मिल रही है। आधे से अधिक बच्चों की यहाँ पे, आधे से अधिक बंदों की उम्र खत्म हो चुकी है, आधे से अधिक बंदों की उम्र तीन साल कोई जिसकी थी जीडी की एज 21 साल की, उनकी खत्म हो गई, टेनमनी खत्म हो गई, कलर की एज खत्म हो गई, वैकेंसी दे नहीं रही है सरकार। तो आगे अभी ये चार सालों का बस एक जुलासा दे रही है कि हम करा देंगे, उसमें भी होने के बाद चार सालों बाद फिर निकाल के फेंक देगी, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? आतंकवादी नहीं ना बना रही हमको, हम लोग की आर्मी की ट्रेनिंग करके आए हम लोगों को यहाँ पे, फिर क्या हम लोग करेंगे? कुछ नहीं, फिर यही ना दिखेगा आर्मी के तैयारी करते करते लड़के सब आधा मेंटल हो जाते हैं, तो वहाँ पे ट्रेनिंग करके आएंगे चार साल बाद वही चीज़ करके हम लोग आएंगे, तो यहाँ पे हम फिर क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आके कंप्यूटर की ऑफिस में जॉब नहीं ना देगी हम लोगों को, अभी नहीं जॉब दे देगी तो फिर आगे चल के कहाँ से हम लोगों को जॉब देगी? देखिए इन्होंने बड़ा गंभीर बात कहा कि अभी तो नौकरी नहीं मिल रही, हम लोग ऐसे फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं कई सालों से तैयारी करते करते, अगर चार साल सोहना में नौकरी किए और उसके बाद अगर हम बाहर आएंगे तो कुछ और करने के लिए बाध्य होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपको बता दें कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र के लड़के देखिए इधर आते हैं, लड़के सामान्य परिवार से होते हैं, और अभी एक पंचायत वेब सीरीज में एक शानदार डायलॉग आपने सुना भी होगा कि जो 25-30 हज़ार में जान देने वाला कोई गांव का ही लड़का हो सकता है, किसी सेठ धन्ना या शहर के बड़े बाप का बेटा 25-30 हज़ार में जान देने के लिए सेना में नहीं जाता है। तो ये सच्चाई है कि ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे आते हैं वह अपना जीवन हाई स्कूल इंटर पास करके यानी कम संसाधनों में पढ़ाई करके सेना में अगर भर्ती हो जाते हैं तो उनके जीवन का एक अच्छा जीविकोपार्जन का माध्यम मिल जाता है, नौकरी कर लेते हैं, इसके साथ साथ पेंशन मिल जाता है, तो देश सेवा और तमाम चीज़ें हो जाती हैं। यानी कि एक लड़का फौज में भर्ती हो जाता है तो उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है, सामाजिक स्थिति। तो अब सरकार ये चार साल का जो ला रही है इस पर क्या कहेंगे? ला दी है राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, अग्रिम मंत्रालय के तहत आता है सेना, अमित शाह से, दोनों लोग से यह क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। हमारे देश की जनसंख्या जो कि विश्व में दूसरे स्थान पर आती है, इजराइल और चाइना का आप नियम ला दें जो चार साल, वहाँ पे लोग जनसंख्या कम है, चाइना में पहले नंबर पे है, फिर भी वहाँ पे उद्योग इतना है कि लोग करना नहीं चाहते हैं सेना के, इसलिए अनिवार्य है। आप यहाँ पे लड़के चाह रहे हैं रोजगार, हर एक 13 में से उत्तर प्रदेश का जो विश्व बैंक है निकाला मार्च में, 13 में से एक ग्रेजुएट, 13 ग्रेजुएट में से एक रोजगार पाया हुआ है लड़का, और 12 बेरोजगार हैं लड़के। अच्छा, आप फिर भी आप चार साल के लिए ला रहे हैं नौकरी, वो कहाँ जाएगा? एक साल की ट्रेनिंग है, तीन साल में ड्यूटी करेगा, उसके बाद घर पे आके क्या कर सकता है? हाँ, आप उसके बाद उसका कोई आर्थिक स्थिति उसका बनी नहीं, उतना का तो बादाम और दूध पी गया। सही कहा, ये जो आप कर रहे हैं छुट्टी, अभी तो ऐसा प्रावधान भी नहीं है कि अगर जो छुट्टी करेंगे उसका पैसा देंगे, ये तो कुछ तय नहीं है ये भी सर। और सर ये बताइए कि हम लोग लाइन, हम ये जानते हैं कि वहाँ पे हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को आज नहीं कल
मौत का पता नहीं कि कब होगा, लेकिन तभी भी हम लोग बंदे इतना देश के लिए सेवा करने के लिए जुनूनियत की, तभी भी हम लोग लाइन में लाखों की कतार में लाइन हम लोग लगाते हैं अपनी थोड़ी सी सेना के लिए समय देने के लिए। दो बजे से लाइन लगाते और फिर उसके बाद 3 बजे से हम लोग लाइन लगा देते हैं, फिर इतने मतलब एक थोड़ी सी सीट के लिए हम लोग इतना समय देते हैं अपने आर्मी के लिए, और इतना हम लोगों के पास देश प्रेम है, तभी भी ये देश प्रेम हम लोगों की सरकार ले डूब रही है। 3 सालों के बाद भर्ती दे रही है, तो चार ये भी बोल रही है कि 4 सालों के लिए किस बंदे को मिले किस बंदे को नहीं मिले, 4 सालों बाद हम लोग फिर ये क्या करेंगे। सरकार ये भी एक बेच दे हम लोगों को कि आप लोग वहाँ से सेना को समय दे करा रहे हैं 4 सालों का, तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब आपको दी जाएगी। इस समय में आपको तो अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप आएंगे तो गारंटी है कि आपको नौकरी मिलेगी। अभी भैया हैं आपकी थोड़ी उम्र लग रहा है, आपको ज़्यादा अनुभव रहा होगा ग्राउंड पे लड़के दौड़ते हैं, आपकी नज़रों के सामने कितने लड़के यहाँ दौड़ करके सेना में भर्ती हो गया, क्या स्थिति है? क्योंकि हमारे स्टेडियम में कम से कम 1000 बच्चे आते रहते हैं, क्योंकि हम स्पोर्ट के हैं, हम अपने बच्चे हमारे पास जो भी बच्चे यहाँ पे खड़े सब हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि हमें बीपीएड के छात्र भी हैं, तो यहाँ पे हर साल जब वैकेंसी आते रहते हैं यहाँ से 50 बच्चे 35-40 हर साल यहाँ से जाते रहते हैं, हमारे ग्राउंड के आते हैं, लोग मिलते भी हैं। तो हम ये चाहते हैं कि रक्षा मंत्री जो हमारे राजनाथ सिंह हैं, और क्या कभी आप देखे हैं जो विधायक हो या सांसद हो या मंत्री हो उनके बेटा कभी देखे हैं फौज में जाते हुए? कोई भी देखा तो आप बताए कि नहीं फौज में जाते हैं? हम गरीब परिवार के हैं, हमारे पिताजी सब्जी बेचते हैं, किसी बच्चे कोई धंधा करके अपना दौड़ता है सुबह में दोपहर में ड्यूटी करता है। अब 4 साल के लिए वो जाएगा, उसमें से हमारा साल भर या 15 महीना तो हमारा ट्रेनिंग में कट जाता है, ठीक है, साल भर में 3 महीना मेरी छुट्टी निकल जाती है, तो हम 2 साल ड्यूटी करके आएंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे बताइए ना। 4 साल बोल लेना, उसके बाद हमें पेंशन दे रही है ना, मुझे कुछ दे रही है, उसके बाद आखिर हम करेंगे तो करेंगे क्या भाई? मुझे कुछ के बाद कहीं लगवाओ या बैंक में रखवाओ या कहीं भी रखवाओ, ताकि हम अपने परिवार को जिया सकें, अपने देश के लिए 4 साल रक्षा तो किए हैं ना। बोलो कि नहीं हम भी अपने देश के लिए रक्षा करने के लिए जाएँ, सबका यही होता है कि हम अपने देश के लिए अच्छा मतलब जाएँ वहाँ पर शहीद होकर आएँ, ताकि हमारा तिरंगा सबको नसीब नहीं होता है, हम लोग का ये सपना था कि हम भी जाएँ अपने देश के लिए मरें मिटें शहीदी मतलब प्राप्त करें सब कुछ। हाँ एक आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या जो फौज में जाता है केवल मरने मिटने जाता है कि ये भी सोचा जाता है कि उसके परिवार की भी जीने का माध्यम मिले? जब हम लोग पैदा होते हैं तो हम लोग को शुरू से भरा जाता है मेरा लड़का फौज में जाएगा, हम लोग इसके अलावा कुछ सोचते ही नहीं हैं, पुलिस के बारे में या कुछ के बारे में हमको नजर नहीं आता, बस हमको ये लगता है कि मुझे फौज में जाना, क्योंकि मेरे पेपर बचा हुआ है, मैं स्पोर्ट्स से हूँ, रानीखेत में मेरा पेपर है, लेकिन 15 बार मेरी वैकेंसी टल चुकी है फौज की 15 बार आज तक किसी सेंटर का भर्ती भी नहीं हुआ, लेकिन हम लोग ऐसे पड़े हुए हैं। किस वजह से टली भर्ती? पता नहीं, जो वो सर मर गए थे ना, रावत बीपी रावत सर मर गए थे, उसके बाद कोई हम लोग काम ही नहीं, पेपर अब हुआ ऐसे करते करते अब सुनने में आ रहा है अगस्त में होगा, अगस्त के बाद अगले महीने में सितंबर में भर्ती फिर स्पोर्ट की चालू हो जाएंगी, फिर कहाँ होगा सर बताइए आप? अगर वो भर्ती नहीं होते फिर हम लोग का लाइफ कहाँ जाएगा आप बताइए? उम्र खत्म हो जाएगी आपकी, उम्र खत्म हो जाएगी। तो मैं देखिए अभी टेक्निकल में ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आपने कहा कि देश सेवा के लिए 4 साल आपको सरकार देश सेवा के लिए दे जा रही है, लेकिन ऐसे में देखिए हम लोग भी गाँव से आते हैं, लड़के देश सेवा के साथ साथ उनको जीने का माध्यम भी चाहिए, जीने के लिए केवल देश पैसा भी चाहिए, उसके लिए सेना में जाते हैं, तो क्या लगता है कि 4 साल नौकरी करने के बाद उनका जीवन सुरक्षित रहेगा आर्थिक रूप से? हमको तो नहीं लगता है कि आर्थिक रूप से स्वस्थ रहेगा, मतलब क्योंकि देख रहे हैं इतनी महंगाई के समय में हर चीज़ महंगाई हो रखी है, ठीक है, कोई बच्चा को अपने पढ़ाने के लिए किसी मंत्री का बच्चा या किसी सरकारी कॉलेज में पढ़ नहीं रहा है, स्कूल में पढ़ नहीं रहा है, हमारे बच्चे सरकारी में जा रहे हैं, उनको एक झोला दे दिया जा रहा है, कापी बुक दे दिया जा रहा है, आप भी तो अपने बच्चों की शिक्षा को भी देखिए, अपने बच्चों को आप भी बोलिए कि नहीं आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ाइए। लड़का तो देखिए आप लड़का आदमी सेना में भर्ती हो गया तो उसका लड़का केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने जाता है तो उसके जीवन उस देखिए आप सेना में भर्ती हो गए संपन्न हो गए तो आपका लड़का केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है तो आपकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति सब कुछ बदल जाता है, अब तो वो सब बचेगा नहीं। आप जो बोल रहे हैं कि नहीं आप फौज में हो गए तो आपको बच्चा केबीएस में पढ़ने जाने जाता है ऐसे कोई बात नहीं, ठीक है, हम गवर्नमेंट देती देखने के बाद देखिए हम अकेले जॉब कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे सेना में आप नौकरी पा गए तो आपके लिए सरकार उन्हें सुविधाएं देती हैं, अब 4 साल में तो आपको सारी सुविधाएं खत्म जाएंगे, तो ये पूरा था कि गांव का लड़का सेना में भर्ती हो गया, देखिए बताओ गांव का लड़का सेना में भर्ती हो गया, सामान्य किसान का बेटा भर्ती हो गया सेना में चला गया, सरकार इतनी सुविधाएं देती हैं कि उसके बेटे को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने की सुविधा देगी, तमाम तरह के सुविधाएं देती हैं, अब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो मंगरू का जीवन बदल पाएगा? नहीं बदल पाएगा, फिर वैसे ही आ जाएगा, फिर पिछले वाला जो रास्ता पे था उसी पे आ जाएगा, कहीं इधर ठोकरे खाएगा कहीं इधर कहीं मजदूरी करेगा, फिर उससे बढ़िया कि मैं क्यों नहीं अपना खुद बिजनेस करूँ, अपना घर पे रहूँ, अपने परिवार में रहूँ, इससे बढ़िया 4 साल के उसे छोड़ दो, फिर ये तो उम्मीद हमारी है कि भाई उससे बढ़िया कि अपन परिवार में रहें। देखिए मैं पूरा आपको बता दूं कि जो आया है इसके बारे में बता देता हूं कि देखिए जो भारत सरकार ने मंगलवार यानी आज थल सेना नौसेना और वायु सेना में सैनिकों की भर्ती के लिए एक नई अग्निपथ योजना का ऐलान कर दिया है,
इस योजना के तहत सैनिकों की भर्ती 4 साल के लिए होगी, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। सुरक्षा मामलों के मंत्रिमंडल समिति यानी CCS की बैठक में नई योजना को मंजूरी मिल जाने के बाद जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका ऐलान किया है। राजनाथ सिंह का कहना है कि अग्निपथ भर्ती योजना एक क्रांतिकारी पहल है जो सशस्त्र बलों को एक युवा प्रोफाइल पहचान करेगी। कम वक्त में सेना की ट्रेनिंग, अनुभव, सैलरी, नौकरी में चयन, इसको लेकर के कई सवाल पूछे गए। और इसके साथ ही तमाम सवाल पूछे गए, उसमें एक ये आता है कि जो नए प्रोसेस में क्या है कि अब तक जो सेना में बेसिक ट्रेनिंग 18 सप्ताह की होती थी, उसको घटा करके अब 16 सप्ताह कर दिया गया है। इसके साथ ही जो ये सैनिक भर्ती होंगे 4 साल के लिए, इनको जो सामान्य सैनिक हैं यानी जो सेना में पहले सैनिक थे उन्हीं की तरह इनको तैनात किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि इसमें मात्र ये जो नई योजना आई है सैनिकों की भर्ती आई है, न कि अधिकारियों के लिए, न JCO के लिए। ये जो वही सैनिक जो गांव देहात के लड़के सेना में जाते हैं उनके लिए यह पूरी भर्ती की योजना आई है। सेना की भर्ती देखते हैं, दौड़ते हैं इसे सामान। अच्छा, सेना में नहीं जान, सेना में जाने की इच्छा है कुछ है? एज हो जाएगा तो। अच्छा, एज हो जाएगा तो। अभी कितना उम्र है आपका? अभी 16। सरकार ने एक नई योजना लाई है, सेना में मात्र 4 साल का नौकरी करने का अवसर मिलेगा। ठीक रहेगा? ठीक रहेगा, लेकिन मुझको भी मालूम नहीं। अच्छा, नहीं जानकारी है तो नहीं जानकारी है। देखिए, आपको दिखा देखिए, लड़के तमाम इसी तरह पसीने बहाते हैं। ये तो स्टेडियम है, तो आपको तमाम सारी सुविधा, अच्छे लड़के दिख जा रहे हैं सुविधाओं। गांव देहात में आप ऐसे लड़के देखेंगे, तमाम संसाधनों, तमाम खराब रास्तों पे दौड़ लगा करके सेना में भर्ती होते हैं, देश सेवा करते हैं, इसके साथ साथ अपने परिवार की और खुद की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करते हैं। लेकिन अब सरकार ने 4 साल की योजना लाई है और सरकार के दावे हैं कि इससे युवाओं का एक प्रोफाइल मजबूत होगा। सेना में 4 साल की नौकरी करने के बाद वो आएंगे तो वो अपना आगे की पढ़ाई कर सकते हैं या अपना मनचाहा नौकरी या अन्य जगहों पर काम कर सकते हैं। तो देखते हैं युवाओं के लिए कितना लाभकारी सिद्ध होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र से युवा आते हैं और तमाम सीमित संसाधनों में कैसे भी मेहनत करके, पसीने बहा करके, सेना में नौकरी पा करके जो अपना उज्जवल भविष्य और देश सेवा की सपना देखते हैं, उनके लिए अभी तो वर्तमान समय में यह योजना हानिकारक दिख रही है। लेकिन भविष्य में क्या होगा यह सरकार के ऊपर निर्भर रहेगा।